कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, लेकिन मानसून की अनिश्चितता आज भी भारतीय कृषि के लिए चुनौती है। सिंचाई के साधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने के बावजूद काफी बड़े क्षेत्रफल में वर्षा आश्रित खेती की जाती है। कुल कृषक आबादी का 85% हिस्सा, जिसमें छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए वर्षा आश्रित कृषि पर निर्भर हैं। भारत ऐसे गिने चुने देशों में शामिल है जहां प्रायः नियमित मानसून चक्र है और औसतन 1200 मिलीमीटर वर्षा जल प्राप्त होता है। मानसून की वर्षा के दौरान एक और जहां पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी प्रदेशों में 2500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश का अर्धशुष्क क्षेत्र मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिलकर बना है। यहां 750 से 1000 मिलीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है। देश में मानसून की अवधि शुष्क, अर्धशुष्क और कम नमी वाले क्षेत्रों में 60 से 180 दिनों के बीच भिन्न पाई जाती है। वार्षिक वर्षा का 85% भाग मध्य दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान प्राप्त होता है, जिससे वर्षा सिंचित दशाओं में खेती की जा सकती है। लेकिन भाग्य हमेशा किसानों का साथ नहीं देता। सामान्य से कम वर्षा होने की स्थिति में सूखे का खतरा पैदा हो जाता है। लगभग 50% से कम वर्षा होने की स्थिति को गंभीर सूखा और 26 से 50% तक कम वर्षा की स्थिति को मध्यम स्तर का सूखा कहा जाता है। सूखा चार प्रकार का होता है: मौसम जनित, जलीय, कृषि संबंधी और सामाजिक सूखा, जो पलायन का कारण बनता है। इनमें कृषि सूखा हमारे लिए चिंतनीय है। इस दौरान मिट्टी में नमी की कमी और वर्षा की अनिश्चितता के कारण फसल उत्पादन में गिरावट आती है। सूखे के प्रभाव काफी व्यापक होते हैं। सूखा अवधि में अपर्याप्त मृदा नमी, पेयजल में कमी तथा धूल मिट्टी की समस्या बढ़ जाती है। कृषि सूखे का सर्वाधिक गहरा दुष्प्रभाव कृषि उत्पादन में कमी और पशुधन हानि के रूप में सामने आता है। मध्यम स्तर के सूखे में कुप्रबंधन की स्थिति में फसल हानि 50% तक, जबकि गंभीर सूखे में 80% तक की हो सकती है। हैदराबाद स्थित केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने सूखे से निपटने हेतु नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, वी एट द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद आर डीपली कंसर्न विद द डेवलपमेंट्स ऑफ एफिशिएंट ड्राउट क्रॉपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ rainfed agricultural crops. The institute and its network programs, namely All India Coordinated Research Project on Dryland Agriculture and All India Coordinated Research Project on Agro Meteorology, have evaluated various technologies to minimize the impacts of drought on rainfed agriculture. सूखे का असर फसल में पौध लगाने, पौध बढ़वार, फूल आने अथवा दाने भरने की अवस्था में हो सकता है। इस अवस्था में किसान बीजों की बुआई खेतों में कम गहराई पर करते हैं। इससे नमी की कमी के कारण बीजों का अंकुरण अत्यंत कम संख्या में होता है। इस प्रकार की आरंभिक अवस्था के सूखे का प्रबंधन मई माह की बेमौसमी बरसात तथा मानसूनी वर्षा से बीजों के लिए क्यारियां तैयार कर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर चालित बीज बुआई यंत्र द्वारा की गई बुआई काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। इसकी सहायता से बीजों को गहराई में उपलब्ध नमी में बोया जा सकता है।
मानसून में अधिक देरी होने पर आपात योजना तैयार की जानी चाहिए। कंटीन्यूअस क्रॉप प्लानिंग बाय शिफ्टिंग फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज टू शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज एज द डिले इन ऑनसेट ऑफ रेन एक्सटेंड्स, शिफ्टिंग फ्रॉम सीरियल क्रॉप्स टू ऑयलसीड क्रॉप्स एंड देन टू शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस। मानसून में देरी की स्थिति में फसल बिजाई की कई आपात योजनाएं हैं। अरंडी जुलाई के पहले पखवाड़े में, बाजरा जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक, सूरजमुखी अगस्त के पहले पखवाड़े में, मटर या मूंग अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक, कुलथी सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक। मध्य अवस्था सूखे में पत्तियों का मुड़ना, सूखना तथा मुरझाना शुरू हो जाता है। ये लक्षण ज्वार, सूरजमुखी तथा अरंडी की फसलों में देखे जा सकते हैं। फसल की पौध बढ़वार की अवधि तक सूखा रहने पर सूखी पत्तियों की संख्या बढ़ जाती है। गंभीर सूखे के कारण काली मिट्टी में दरारें और लाल मिट्टी की ऊपरी सतह कठोर हो जाती है। मध्य अवस्था सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए 6 प्रकार की कृषि पद्धतियां उपलब्ध हैं। मृदा में नमी के संरक्षण हेतु पलवार लगाकर कतारों में मृदा को तैयार करना इस दिशा में पहला कदम होगा। इससे भूमि की दरारें और छिद्र बंद हो जाते हैं तथा नमी को मृदा की ऊपरी सतह पर संरक्षित रख पाना संभव हो जाता है। नमी के संरक्षण के लिए गहरी नालियों का निर्माण कर वर्षा जल के बहाव को मृदा में संरक्षित कर नमी को जड़ों के स्तर पर सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे भी अल्पकालिक तौर पर नमी को बरकरार रखा जा सकता है। इससे बीज के आसपास की मृदा को ज्यादा समय तक नमी रहित होने से बचाया जा सकता है। नमी के संरक्षण के बाद अब जरूरी है पौधों के लिए पोषण की व्यवस्था। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम यूरिया देना लाभप्रद पाया गया है। उर्वरकों को नुकसान से बचाने के लिए महिला कृषि श्रमिकों की मदद से खेतों की नालियों को भरवाया जा सकता है। शुष्क क्षेत्रों के किसान उर्वरकों के इस्तेमाल के बाद इन नालियों को बंद करने के लिए एक कम लागत की उन्नत और कम मशक्कत वाली तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पानी और नाइट्रोजन की अतिरिक्त खुराक की पूर्ति प्रभावित फसलों पर 2-5% यूरिया का छिड़काव करके की जा सकती है। सूखे के प्रकोप को खाद पलवार तकनीक की मदद से कम किया जा सकता है। इस प्रकार की हरी खाद के लिए ग्लाइरिसीडिया पौधा एक आशाजनक विकल्प है। यह अत्यंत घनी और मोटी शाखाओं व पत्तियों वाला पौधा है जिसका पलवार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों में 3% नाइट्रोजन होता है। इसे बंधों पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। पौधों के अनुपयोगी भागों, घास फूस तथा अन्य पौध सामग्रियों से भूमि सतह को ढकने से भी नमी का संरक्षण संभव है और इसके वाष्पीकरण की दर को कम किया जा सकता है। संपूरक सिंचाई के लिए खेतों में स्थित जलाशयों में भंडारित जल का भी प्रयोग किया जा सकता है। उतली गहराई में बोई गई फसलों के लिए 1-2 सेंटीमीटर जल, जबकि अधिक गहराई वाली फसलों के लिए 5 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। आरंभिक और मध्य अवस्था सूखे का कुशल तकनीकों द्वारा निपटान किए जाने से फसलों में एक बार फिर से नई जान आ जाती है। इससे किसानों को परंपरागत पद्धतियों की तुलना में 25-50% तक अधिक लाभ होता है। अंतिम अवस्था में सूखे का असर पौधों की फूल निकलने की अवस्था में होता है। इसके प्रभाव से फसल उत्पादकता अत्यंत निचले स्तर पर जा पहुँचती है। इसका कुप्रभाव फूल निकलने से लेकर दाना भरने की अवस्था तक जारी रहता है। इसके कारण फलियों या बालियों में कम संख्या में दाने तथा बालियों के आकार में विकृतियां देखने को मिलती हैं। इस स्थिति का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे में नमी का स्तर बिल्कुल ही कम हो जाता है। इस प्रकार के सूखे में बेहतर यही होगा कि या तो फसल को चराई के लिए छोड़ दिया जाए या चारे के लिए अगेती कटाई कर ली जाए। मक्के की फसल में पहले कटाई करने से अधिक चारे की प्राप्ति होती है। The best way to manage terminal drought is by providing supplemental irrigation. This can be achieved through adoption of water harvesting methods to collect and conserve runoff during previous rain events and recycle this saved water
as supplemental irrigation at such critical stages. देश भर में क्रीडा द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को पसंद किया जा रहा है, जिससे फसल उत्पादन और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। इस हर वर्षाल वर्षा भाव परिस्थिति ఉన్నందున వర్షాలు లేనందున ఈ క్యాస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతోటి మాకు కేంద్ర వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం గుండుగల్లు వచ్చి మాకు ఈ ఆధాల సాంకేతిక సలహాలు ఇచ్చారు. దానికి ఏమేమి సరే మందులు ఏమేమి వేయాలి, ఎట్టడి చేయాలి, అంతర పంటలు ఏమేమి వేయాలి, అట్లా కంది ఆముదం వేసినాము, కంది జొన్న వేసినాము, పోతే కంది అది జొన్న అది కంది వేసినాము, ఇట్లా పంటలు తీసినాము. దానికి ఏమి ఎరువులు వేయాలి, ఎప్పుడు మందులు కొట్టాలి. మా ఊరు ఆకులమైలారము. నా పేరు గురిగ లక్ష్మమ్మ. మేము నీళ్ళు సరిపడలేక తరిపొలము నాటుకోక పల్లి చేను పెట్టినాము, మూడు కలుపులు తీసినాము. ఏదో బాగుపడదామని చేస్తే మంచినే పంట పండుతున్నది. మాకు క్రీడా వాళ్ళు బుడ్డపొట్టు ఇచ్చినారు. ఆ బుడ్డపొట్టు పసల కింద వేసి ఎరువును తయారు చేసి ఆ ఎరువు వేసిన పంట ఇక్కడ వేసినాము మేము. ఇది మాకు తడి ఎద్దడి తట్టుకోగలుగుతుంది. ఇది సైడ్ మాకు ఒట్టిగా వేసినాము మేము. ఇది మాకు తడికి డిఫరెన్స్ కూడా వస్తుంది. దీనికి దానికి ఒక 4-5 రోజుల తేడా ఉంది. ఇది మామూలుగా మేము చేసిన సేద్యము, ఇది క్రీడా వాళ్ళు చేసిన సేద్యము కనుక మాకు కొంచెం అనుకూలంగా ఉంది. క్రీడా ద్వారా దేశ కి కిసానో కో సూఖే కే ప్రభావ్ కో సిమిత్ కర్నే హేతు ప్రౌద్యోగికియా ఇంటర్నెట్ కే జరియే ఉపలబ్ధ కరాయీ జా రహీ హై. కిసాన్ నీతి నిర్మాతా తథా యోజనాకార్ ఇస్ ప్రకార్ కీ జానకారీ పలక్ ఝపక్తే హీ సంస్థాన్ కీ వెబ్సైట్ cropweatheroutlook.org సే ప్రాప్త్ కర్ సక్తే హై. इस वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग सूखे की कड़ी चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के अलावा इसके असर को अत्यंत सीमित करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है. किसानों के लिए इस बारे में उपयोगी तमाम प्रकाशित साहित्य भी उपलब्ध है. सूखे के प्रभाव को बेअसर करने की दीर्घकालिक रणनीति के तौर पर चारा फसलों सहित अन्य फसलों के साथ वृक्षारोपण, कृषि बागवानी या चारागाह प्रणाली को भी अपनाया जा सकता है. इस तरह से सूखे की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए जरूरी है दोहरी प्रौद्योगिकियां, गहराई में बुआई, आपात योजना, पलवार उपयोग, संरक्षण नालियां, उर्वरक प्रयोग, यूरिया छिड़काव, खाद पलवार प्रयोग और संपूरक सिंचाई. और अधिक जानकारी के लिए देखें वेबसाइट dryland.ap.nic.in. The successful outcome to cope efficiently with droughts is totally in the hands of the Thailand farmers who can take the right decisions at the right time.